अब पता नहीं अगर रोकते तो हम तो वहीं बैठ जाते। पुलिस ने ही कहा आगे चले जाओ, सड़क छोटी है वहाँ, कहाँ जाम कर रहे हैं हम, ऊपर हाईवे जाम कर दिया। अरे कहाँ करा, वो तो देखने का फर्क है, हमें तो दिखाई दी ना, आप और नीचे आपको ऊपर का दिखाई। एमएसपी को लेकर किसानों की लड़ाई शांत जरूर पड़ गई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। एक बार फिर अपने मुद्दों को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार को किसानों ने महापंचायत की और इसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान कुरुक्षेत्र जिले में पीपली के पास फ्लाईओवर के ऊपर जमा हो गए और आवाजाही बाधित कर दी। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए अपनी दो मांगे बताई। जानकारी के मुताबिक टिकैत ने अपनी दो मांगे में कहा कि हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाए और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू करें। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। फ्लाईओवर पर सड़क के दोनों तरफ ट्रैक्टर लगाकर किसान यहीं धरने पर बैठ गए। किसान नेता गुरुनाथ चमोले की रिहाई की भी मांग की। बता दें कि किसानों ने सोमवार को दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। किसान सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर इस कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद एकत्र हुए। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ ही अलग अलग खापों के नेता भी पहुंचे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भी इस किसानों की मांगों से जुड़ी इस महापंचायत में शामिल हुए और उनके धरने में शामिल होकर किसानों को समर्थन दिया। इससे एक दिन पहले पहलवान दिनेश फोगाट किसानों को समर्थन देने पटियाला पहुंचे थे। महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी से कम फसल की खरीद ना हो और केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने को लेकर पुरजोर तरीके से मांग उठाई। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बड़े आंदोलन होंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की कि गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून सरकार जल्द से जल्द लागू करे। महापंचायत के बाद किसान हाईवे की ओर कूच करने लगे। बता दें बीते 6 जून को भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चरूनी के नेतृत्व में किसानों ने शाहबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 घंटे से अधिक समय तक जाम कर दिया था और सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदने की मांग की थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया था। बाद में इसके अध्यक्ष सहित 9 बीकेयू नेताओं को दंगा और गैर कानूनी सभा सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। महापंचायत को संबोधित करते हुए कुछ किसान नेताओं ने अपने किसान विरोधी नीतियों और उनके नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदे और हाल ही में शाहबाद में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब बीकेयू नेताओं ने महापंचायत को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए रविवार रात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को 36,414 एकड़ में उगने वाले सूरजमुखी के लिए 8,528 किसानों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 29.13 करोड़ रुपए जारी किए थे। किसान मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार सूरजमुखी को 6400 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे। भावांतर भरपाई योजना के तहत मूल्य अंतर भुगतान योजना राज्य सरकार एमएसपी से नीचे बेची गई सूरजमुखी की फसल के लिए अंतरिम समर्थन के रूप में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल।